हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दी अध्यापक के प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर कि इससे क्या अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर झारखंड उत्पाद सिपाही का दौर कब तक होगा, कुछ हमें हिंट दे दीजिए। इस पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इससे क्या अपडेट निकल के आ रही है। तो इस बात का क्लियर आप लोग को पता चल गया होगा कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिस वजह से झारखंड उत्पाद सिपाही का जो रनिंग होने वाला था अप्रैल के लास्ट वीक में, वह नहीं हो पाया है। ठीक है, और इस पर अभी भी लोगों का मानना है कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होगी और हमारा रनिंग कंडक्ट कराया जाएगा। बट इस पर मेरा क्या मानना है, मैं अपना ओपिनियन आप लोगों को दे देता हूँ। इसी के साथ आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो देखिए, अभी भी क्लियरली नहीं कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव के बाद आप लोग का रनिंग कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके पीछे मैं आप लोग को रीज़न भी बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि JSSC नियुक्ति नियमावली को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इसकी नेक्स्ट हियरिंग 11 मई दिया गया है। ठीक है, तो 11 मई को झारखंड हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई की जाएगी और इससे जो भी रिजल्ट निकल के आएगी वो झारखंड के जो भी नई नियुक्तियाँ हैं, चाहे JSSC के CGL की बात करें या फिर एक्साइज कॉन्स्टेबल, ये सभी पर इम्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो इस पर जो भी रिजल्ट निकल के आएगी और अगर किसी तरह JSSC के मैनुअल में संशोधन किया जाता है, करेक्शन किया जाता है, तो वह इम्पैक्ट आपके JSSC एक्साइज कॉन्स्टेबल में भी देखने को मिलेगी। तो इस पर स्पष्ट है कि अगर संशोधन होता है तो आपका जो रनिंग है वह भी डिले हो सकता है। बट अभी 11 मई के बाद हम लोग क्लियर इस पर बात कर पाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है और रनिंग को लेकर क्या अपडेट निकल के आती है। बट इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी JSSC एक्साइज कॉन्स्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, आप अपना प्रैक्टिस और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, आपका रनिंग जब भी लिया जाएगा आप लोग पहले से ही प्लान रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।